निचली जाति का होना क्या पाप है या निचली जाति में जन्म लेना महापाप है? अगर नहीं है तो आप ही बताइए कि निचली जाति के साथ इतना अन्याय क्यों? अब हम पूरा मामला आपको विस्तार से समझाते हैं। बाराबंकी तहसील सिरोली गोसपुर क्षेत्र के ग्राम हजरतपुर में एक ऐसा ही मामला हैवानियत से भरा देखने को मिला है, जहां पर पासी समाज के पीड़ित राम सुरेश पुत्र लखन का कहना है कि बारिश ना होने के कारण मैं और गांव के कुछ अन्य लोगों के दरवाजे पर जाकर पानी से नहाते थे ताकि बारिश हो, और जिसके दरवाजे पर जाते थे वो अनाज देता था। जब ये सारा काम समाप्त हुआ तो अनाज को इकट्ठा किया गया कि भवरी लगाया जाए और पुरानी परंपरा के तहत भवरी लगाकर खाया जाए। लेकिन इतना सारा अनाज इकट्ठा देख पप्पू पुत्र बाबा दीन व अर्जुन पुत्र पप्पू की नियत खराब हो गई और सारा अनाज हड़पने के लिए दंगे पर उतर आए। जब इसका विरोध पीड़ित राम सुरेश पुत्र लखन ने किया तो पप्पू पुत्र बाबा दीन व अर्जुन पुत्र पप्पू ने राम सुरेश को लाठी डंडों से बुरी तरह से पीटा और जान से मारने की नियत से उसका गला दबाने लगे। वहां पर मौजूद ग्रामीणों ने मामला बढ़ता देख राम सुरेश को छुड़ाया, जिसमें पीड़ित राम सुरेश को पप्पू पुत्र बाबा दीन व अर्जुन पुत्र पप्पू ने जाति सूचक गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर दिया और कहा कि अगर कहीं मौके से मिले तो जान से मार देंगे। इसी डर को लेकर के पीड़ित राम सुरेश पुत्र लखन ने थाना कोतवाली बदोसराय में जाकर शिकायती प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित राम सुरेश पुत्र लखन ने क्या कहा, देखें पूरा मामला हमारी खास रिपोर्ट में। टीवी इंडिया 18 बाराबंकी सिरोली गोसपुर ब्यूरो रिपोर्ट। ग्राम हजरतपुर और हमारा नाम है सुरेश, यहीं के रवैया। तो हम काले मेघा जब पानी खेल रहे थे, चार छह लड़के आ गए तो कहीं बाबा तुम नीचे लो लोटो, हम कहें चलो पानी बरसेगा तो गल्ला पैदा दुनिया खाई का, हम इन कहीं गए बस उतने में कोई पौवा कोई आधा किलो दे रहा है तो हम कहें चलो भौजी लगा सब लोग खा लो बेचो ना। अब वो लेके फरार हो गया तो हम उसको पकड़े, वो अपने माँ बाप का बुला रहा हुआ, उनका बाप आवा पप्पू बलोच, वो उठा के हमका भड़ाक से पटक दिया। वहाँ पर मनोज पवन का भाई वो भी था मौजूद, और सब अगल बगल में सब 150 आदमी रहे, ऐसा नहीं रहे, बस हम सुन के चले आए गाड़ी वाली सुन के चाहिए थे अप्लीकेशन देने। वहाँ गए तो कहें चलो हम कार्रवाई करेंगे, कड़ी से कड़ी करेंगे। तो जब गाड़ी देने लगा तो हम कहें गाड़ी ना दो, और माँ बहन की गाली बहुत दिया। फिर हम अपने माँ का कहें तुम घर का जाओ, हम बस अपने पर ले गए। फिर हम चले गए थाने पर, कहा थाने से वापस आए फिर गाड़ी देने लग गया, कहे तुमको गांव में नहीं रहने देंगे, वो कर देंगे मात्र पे जान से। हम कहें ठीक है मारे तुम तो हम अकेले थे, हमारे भाई और कोई नहीं थे, हम अकेले वहाँ पर। और जब सुन पाए तो सभी दौड़ के आई है कि कहा हुआ कहा नहीं हुआ। फिर हम चले गए थाने पर, कहा अप्लीकेशन देख के वहाँ चले आए, कहीं चलो हम कल का कार्रवाई।